200 इसरो ने जब उड़ाए चंद्रयान 3 तब पूरे दुनिया के कानों में बज गई बीन। 200 जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब चाइना हंसते हुए पूरे दुनिया के सामने भारत का मजाक बनाया था। उसी का बदला लेने के लिए भारत चंद्रयान 3 बनाकर चंद्रमा को चूमने जा रहा है ताकि पूरे दुनिया को दिखा सके कि भारत स्पेस रिसर्च के मामले में किसी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि चंद्रयान 3 को बनाया कैसे गया है और उसके साथ साथ इस वर्क को भी 3D एनिमेशन से समझते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वैसे दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का अधूरा मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके उसके सतह पर पाए जाने वाले मेटल और मिनरल का पता लगाना है। किसी भी स्पेस मिशन में मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रॉकेट जिसे कैरियर या लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। इस केस में जो रॉकेट यूज हुआ है वो LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। वैसे दोस्तों रॉकेट का काम किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर उससे अलग हो जाना होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें LVM-3 3 स्टेज से मिलकर बना होता है। पहले स्टेज में S-200 मोटर लगी होती है जो कोर स्टेज से जुड़कर उसे अंतरिक्ष तक पहुँचाती है। दोस्तों ये दोनों रॉकेट सॉलिड प्रोपोलेंट सिस्टम से चलते हैं जिसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का मिक्सचर होता है। दोस्तों इसमें फ्यूल के तौर पर प्लास्टिक और ऑक्सीडाइजर के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन होता है जो जलकर बहुत सारी गैसेस बनाती है और नोजल के रास्ते निकलकर न्यूटन का थर्ड लॉ लगाती है जिसे गर्म गैसेस पीछे निकलने के कारण रॉकेट आगे की तरफ भागता है। इस स्टेज के खत्म होने के बाद शुरू होता है लिक्विड प्रोपोलेंट स्टेज। दोस्तों इस लिक्विड प्रोपोलेंट स्टेज में 2 तरह की लिक्विड होती है। एक होता है फ्यूल जो जलेगा और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजर जो फ्यूल जलने में मदद करता है। उसके बाद शुरू होता है क्रायोजेनिक इंजन जो रॉकेट का लास्ट स्टेज होता है। इसमें 2 अलग अलग टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं। दोस्तों क्रायोजेनिक स्टेज में भी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को कम्बशन चेम्बर में पंप करके जलाया जाता है जिससे थ्रस्ट पैदा होता है। वैसे एफिशिएंसी के मामले में क्रायोजेनिक स्टेज सॉलिड और लिक्विड इंजन के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट होता है। इन सभी स्टेजेस के ऊपर एक एरोडायनेमिकली डिजाइन यानी प्रोटेक्टिव केसिंग में पेलोड को रखा जाता है। इस पूरे रॉकेट का काम केवल इस पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाना होता है। दोस्तों पेलोड में मेनली 3 चीजें होती हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा इस लैंडर में मौजूद रोवर। वैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल इस पूरे सिस्टम को चंद्रमा के 100 किलोमीटर के दायरे में लाकर लैंडर से अलग हो जाता है। फिर लैंडर में लगा इंजन स्टार्ट होकर लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराता है और लैंडर के अंदर रखा रोवर बाहर आकर चंद्रमा के सतह पर रिसर्च करेगा और कुछ फोटो वगैरह भी कैप्चर करके इसरो के पास भेजेगा जिसे इसरो में बैठे साइंटिस्ट चंद्रमा के सतह का पता लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगे S-200 रॉकेट को बनाया जाएगा। उससे पहले चलिए इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं क्योंकि जब इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझेंगे तभी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझ में आएगा। वैसे इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला नोज कैप जो अपने एरोडायनेमिक डिजाइन के कारण रॉकेट पर पड़ने वाले एयर प्रेशर को कम करता है और दूसरा है इसका बॉडी जिसके अंदर सारा प्रोपेलेंट भरा होता है और इसी बॉडी के जस्ट नीचे इंसुलेटिंग लेयर होता है जो रॉकेट को हीट से बचाता है। फिर इस इंसुलेटिंग लेयर के अंदर सॉलिड फॉर्म में प्रोपेलेंट होता है जो ऑक्सीडाइजर और प्लास्टिक फ्यूल के मिक्सचर से बना होता है। दोस्तों इसी फ्यूल को जलाने के लिए इसमें एक इग्नाइटर लगा होता है जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करके फ्यूल को जलाता है जिस कारण रॉकेट में हॉट गैसेस बनने लगता है जो नोजल के रास्ते पीछे आकर रॉकेट को आगे की ओर भेजता है। तो इस रॉकेट को बनाने के लिए स्टील सीट को CNC मशीन में डालकर छोटे छोटे बॉक्सेस शेप में घिसकर कुछ इस तरह बना लेते हैं। अब इसके पूरे बॉडी को प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर कर्व शेप में बनाते हैं। फिर इसे जिंक सॉल्यूशन में डालकर धुलते हैं ताकि इस पर लंबे समय तक जंग ना लगे। अब इन सभी सीट को एक एक करके सर्क्यूलर फॉर्म में अरेंज करते हैं और इन वर्करों द्वारा नट से टाइटली कस के बेस को तैयार कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में दूसरे जगह इन बड़े बड़े स्टील सीट को सर्क्यूलर फॉर्म में अरेंज करके एक मोटा पिलर की तरह बनाते हैं और सारे स्टील सीट अपने जगह से ना खसके उसके लिए एक ज्वाइंट लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इसे एक पहिए वाले व्हीकल पर रख कर पेंटिंग यूनिट में भेजते हैं जहाँ इस पर व्हाइट पेंटिंग करके इसे और लुकेबल बनाया जाता है। फिर स्टील सीट को एक खास मशीन पर रख कर बेंड करते हैं
और कटिंग मशीन में डालकर ट्रायंगुलर शेप में कटिंग करते हैं। फिर एक एक ट्रायंगुलर शीट को इस मशीन पर रखकर वेल्डिंग करते हैं, जिसे कैप के शेप में बन जाता है। अब इस कैप को रॉकेट बॉडी के एक साइड में लगाकर नट से टाइटली कसते हैं और इसके कैप को पेंटिंग करके कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब बारी आती है इंसुलेशन को बनाने की, जिसके लिए सिलिकॉन रबर को रोलिंग मशीन से पास करके रबर शीट के फॉर्म में तैयार करते हैं। फिर रबर शीट को रॉकेट बॉडी में कुछ इस तरह लगाकर अच्छे से चिपकाते हैं। अब रॉकेट बॉडी में फॉरवर्ड कोर को डालकर कुछ इस तरह रखते हैं। फिर ऑक्सीडाइजर और फ्यूल को मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं। दोस्तों, ऑक्सीडाइजर के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और फ्यूल के तौर पर प्लास्टिक मटेरियल को डालते हैं। अब पेस्ट तैयार हो जाने के बाद रॉकेट बॉडी में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, जिससे ये पूरा भर जाता है। अब पेस्ट फिलिंग हो जाने के बाद जहाँ ज्यादा पेस्ट होता है वहाँ से हटाकर फैला देते हैं। फिर इन पर एक खास तरह का ट्रे रखा जाता है, जिस पर छोटे छोटे प्लास्टिक ग्लासेस लगे होते हैं। अब इन ग्लासेस में भी पेस्ट डालकर एक बराबर करते हैं। फिर प्रोपेलेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक इनहिबिटर को लगाते हैं, जो प्रोपेलेंट को एक ही साथ जलने से रोकता है। अब प्रोपेलेंट सूख जाने के बाद अंदर रखे कोर को बाहर निकालते हैं। दोस्तों, इसे लगाने से प्रोपेलेंट को एक खास शेप मिलता है। दोस्तों, इस तैयार हुए रॉकेट बॉडी को फॉरवर्ड सेगमेंट भी कहा जाता है। फिर इसे एक्सरे रूम में भेजकर इसका इंस्पेक्शन करते हैं, जहां इसके इंटरनल चीजों को चेक किया जाता है कि आखिर प्रोपेलेंट अच्छे से फिल हुआ है या नहीं। फिर इसमें इग्नाइटर को लगाते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होकर प्रोपेलेंट को जलाता है। अब इस रॉकेट के बीच वाले हिस्से के बॉटम में रबर रिंग लगाकर बेस के ऊपर रखते हैं। फिर इन दोनों को नट बोल्ट से टाइटली कस के बेस वाले पार्ट में इंजन और नोजल को लगाकर दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ नोजल पर नोजल कवर लगाकर इसे एक स्टैंड पर रखकर खड़ा करते हैं। अब इस तैयार हुए बूस्टर पर नोज कैप को लगाकर असेंबल करते हैं और नट बोल्ट से टाइटली कस के कुछ इस तरह तैयार करते हैं। अब बारी आती है लॉन्च व्हीकल या कैरियर को बनाने की, जिसमें चंद्रयान 3 को रखकर अंतरिक्ष तक भेजा जाएगा। तो इसे बनाने से पहले चलिए इसके वर्क को 3D एनिमेशन से समझते हैं। वैसे दोस्तों, इस लॉन्च व्हीकल को लिक्विड प्रोपेलेंट से बनाया जाता है, जिसमें दो टैंक लगे होते हैं, पहला ऑक्सीडाइजर टैंक और दूसरा फ्यूल टैंक। दोस्तों, इस ऑक्सीडाइजर टैंक में लिक्विड ऑक्सीजन और इस फ्यूल टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन होता है, और इन फ्यूल टैंक के पीछे टर्बो पंप लगा होता है, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को पंप करके कंबस्टन चैम्बर में भेजता है, जिसके अंदर इग्नाइटर लगा होता है, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करके प्रोपेलेंट को जलाता है, जिस कारण नोजल के रास्ते हीट और हाई स्पीड गैसेस निकलती हैं, जिसे लॉन्च व्हीकल स्पेस का सफर पूरा करता है। अब बारी आती है LNB-3 को असेंबल करने की, जिसके लिए लिक्विड स्टेज इंजन को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर इसरो के ऑफिस में लाते हैं, जहां इसे खड़ा करके दोनों बूस्टर के बीच में लगाया जाता है। दोस्तों, इसी पार्ट में ऑक्सीडाइजर और फ्यूल टैंक रखा होता है। फिर इसके ऊपर क्रायोजेनिक इंजन को लगाकर नट बोल्ट से टाइटली कसते हैं, जो पेलोड को लेकर चंद्रमा का चक्कर लगाता है। अब बारी आती है इस पर चंद्रयान 3 को असेंबल करने की। उसके लिए लैंडर को ओपन करके उसमें रोवर को डालते हैं, फिर लैंडर को क्लोज करके नट से टाइटली कसते हैं। फिर इसका मूवमेंट टेस्टिंग करके दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहां इसे प्रोपल्शन मॉड्यूल के ऊपर असेंबल करके अच्छे से एडजस्ट करते हैं, जिससे पेलोड बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे एरोडायनेमिक डिजाइन वाले प्रोटेक्टिव केसिंग में डालकर इन्हें क्लोज करते हैं। अब इसे क्रायोजेनिक इंजन पर असेंबल करने से पहले आयरन रिंग को लगाकर उसके ऊपर पेलोड फायरिंग को लगाते हैं। और फाइनली सारा असेंबलिंग हो जाने के बाद इसे हरी झंडी दिखाकर फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं, और इस तरह आपका चंद्रयान 3 पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो इन वर्करों के मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस मिशन को दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।